तो भाई आप सभी का स्वागत है ग्लिची सैम के एक और न्यू गेम प्ले में। और आज के इस गेम प्ले में हम उतर रहे हैं स्कूल पर। और थैंक यू सो मच गाइस लास्ट EXE वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। और उसमें काफी सारे ये भी कमेंट्स थे कि भाई EXE जल्दी लाया करो, इतना वेट मत कराया करो, क्या करूँ भाई EXE वीडियो एडिट करने में टाइम लगता ही है। और काफी सारे कमेंट्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि गेम प्ले वीडियोस डालो, उसमें भी इंटरटेनमेंट होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ गेम प्ले वीडियोस भी आपको देता रहूंगा बीच बीच में, और बाकी EXE पे तो अपना काम चल ही रहा है। अब बात करें इस गेम प्ले की, तो यहाँ पर भाई अपार्टमेंट स्कूल रोजॉक ये तो जैसे हॉट ड्रॉप हो गया है, मतलब 2 से 3 स्क्वाड आपको इतने एरिया में मिल ही जाती हैं। और आज भी जब हम स्कूल पर उतरे तो अपार्टमेंट में 2 स्क्वाड ऑलरेडी आ चुकी थी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपार्टमेंट या रोजोक या फिर स्कूल कहाँ उतरते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली स्कूल पर उतरता हूँ, क्योंकि वहाँ उतरने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपार्टमेंट वालों से फाइट ले सकते हैं या फिर रोजोक वालों से। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम अपार्टमेंट वालों से फाइट लेंगे। हालांकि कभी कभी ये फाइट्स काफी ज्यादा लंबी खिंच जाती है, क्योंकि बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्कूल से अपार्टमेंट्स पर आते हो तो आपको ये बिल्डिंग लेना पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली बंदे मेन बिल्डिंग पे होते हैं या फिर उसके बगल वाली बड़ी बिल्डिंग पे होते हैं। अब ये बिल्डिंग लेने का यही फायदा होता है कि बंदे अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको इजी एम मिल जाता है बंदे पे। एक नॉक किया, दूसरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन मेरी रिलोडिंग आ गई, लेकिन तब तक तीसरे बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। और जब तक मैं रिवाइव हुआ वो तीसरा बंदा भी मेन बिल्डिंग पे जा चुका था, तो मतलब ये वाली बड़ी बिल्डिंग अभी हम ले सकते थे। अब मजे की बात यह है कि सारे के सारे बंदे मेन बिल्डिंग लेने की कोशिश करते हैं, और ऑलरेडी वहां पर 2 स्क्वाड्स थी, तो हमने यहाँ पे नेडेड फेंकना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही एक स्क्वाड फिनिश हुई, मैंने कहा भाई यही सही मौका है कि मेन बिल्डिंग पे क्लोज इन कर जाए, वरना अगर हम वहाँ बैठे रह गए तो फिर क्लोज इन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। अब यहाँ पे एक बंदा जस्ट सीढ़ियों के पास ही था, मैं उस पर एम लेने की ट्राई कर रहा था, लेकिन तब तक जितेश ने वो ट्रिक यूज करके एक बंदा नॉक कर दिया। हालांकि वो ट्रिक अब काम नहीं करती, ये थोड़ा सा पुराना गेम प्ले है, इसलिए ये ट्रिक काम कर रही थी, तो हमने उसी का फायदा लिया और ऊपर आकर इस स्क्वाड को फिनिश कर दिया। अब अपार्टमेंट खाली हो चुका था, हम आ चुके थे रोजोक वालों पर, और तभी हमें एक व्हीकल दिख जाता है। अब ये बंदे यहाँ से गाड़ी लेकर तो निकल गए, लेकिन इन्होंने जो दिमाग लगाया उसका खामियाजा शायद जितेश को भुगतना पड़ सकता था। भाई बंदों ने क्या सही दिमाग लगाया था, गाड़ी लेकर रिच के पीछे गए और एक बंदे को उतार दिया वहीं पर, और गाड़ी हमारे सामने से लेकर गए ताकि हमें ऐसा लगे कि भाई वहां से गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन एक बंदा वहीं पर बैठा था जिसने जितेश को नॉक कर दिया। और एक्चुअली में काफी सही प्ले किया था उन्होंने, अगर मैं बैकअप के लिए नहीं होता तो शायद वो थोड़ा सा एडवांटेज में रहते, वो हमारा एक बंदा नॉक कर चुके थे, शायद हम पर रश भी कर देते, लेकिन मैंने उसका बंदा नॉक कर दिया, तो अभी उनका ये IQ उन्हीं पर भारी पड़ चुका था, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही बंदे थे और दूसरा बंदा पीछे के साइड था, जिस पर हमने डिसाइड किया कि भाई क्लोज इन कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। अब भाई वो अकेला बंदा था, इसलिए उसकी ऐसी फटी कि भाई उसने बगी उठाई और यहाँ से भागना ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन हमने इतने शॉट्स लिए कि उसे रिच पे रुकना ही पड़ गया। आई थिंक हमने शायद उसके टायर उड़ा दिए हों, बट मुझे नहीं पता था, और हमने डायरेक्ट क्लोजिंग कर दिया।
और इसे भी फिनिश करके बढ़िया हमने फिर से एक बार जितेश को रिवाइव दिया। और काफी देर गाड़ी लेकर ढूंढने के बाद भी जब हमें बंदे नहीं मिले तो आखिर में हमें बंदे वहीं मिले जहां से हमने अपना गेम शुरू किया था। जब हम इन पर रश कर रहे थे तभी हमें एक बड़ी ही अजीब सी आवाज़ आई, क्योंकि एक बंदा कुछ अपना 200 IQ लगा के कुछ ट्रिक व्रिक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता थी वो कहाँ पर है। अब ये स्क्वाड तो हमने इजी फिनिश कर दी थी, लेकिन हिल पर दूसरी स्क्वाड आ चुकी थी जिन्होंने जितेश को फिनिश कर दिया, और इस बार तो रिवाइव का मौका तक नहीं मिला उसे। अब हम काफी देर तक हिल वालों से फाइट लेते रहे, जिसके बीच में हमने उनकी गाड़ी के टायर भी उड़ा दिया, जिसके बाद उन्हें पैदल ही रोटेट करना था। हमने देखा कि वो राइट स्कूल के साइड रोटेट कर रहे हैं, तो भाई बिल्डिंग चेंज करना बनता था, क्योंकि वो बिल्डिंग से हमें ज़्यादा अच्छा एम मिलता और उसके बाद आगे ओपन फील्ड थी, और वहाँ पर अगर कोई बंदा नॉक होता है तो उसका डब्बा बनना तय था। सो मैं फाइनली इस बिल्डिंग में आ चुका था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिस्की मूव लिया था विंडो के ऊपर लेट कर उन्हें नॉक फिनिश करने का। गलती से भी अगर मुझे एक हेड पड़ जाता तो मैं भी इजी नॉक हो जाता और वो इजी रोटेट भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो स्क्वाड फिनिश हो गई। अब बचा था सिर्फ एक बंदा जो मुझे ऑलरेडी स्पॉट हो चुका था, लेकिन मैंने अपने टीममेट को नहीं बताया क्योंकि उसका किल मैं लेना चाहता था। पर शायद वो बंदा फाइट लेने के मूड में नहीं था और जंपिंग जपांग कर रहा था, तो मैं भी यहाँ से जंप करने लगा। अब आगे क्या हुआ आप खुद देख लिए।
अब यहाँ पर हम पैन फाइट करने के मूड में थे, लेकिन वो बंदा शायद मूड में नहीं था, वो सिर्फ हमसे भाग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ उसे पैन थ्रो करके मारूंगा। थ्रो करके अगर मैं उसे मार देता हूँ तो ठीक है, वरना ये किल कोई और ले जाएगा। लेकिन भाई उस बंदे ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद मुझे उसे मारना पड़ ही गया। भाई उसने गन निकाल ली थी, मतलब चीटिंग की थी, और चीटिंग की सजा उसे मिलनी थी। एंड फाइनली हमें इजी चिकन डिनर मिला। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।